हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन भुर्जी। इसके लिए हमें सबसे पहले सोयाबीन को पानी में भिगोकर छोड़ देना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम इधर सारी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ मिर्ची, प्याज, धनिया, टमाटर इन सबको अच्छे से कट कर लिया था। उसके बाद सोयाबीन जो है पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। उसके बाद हम इसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें तेल ऐड करेंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा हींग का तड़का लगाया था और प्याज के साथ इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब प्याज भुन चुका है तो हम इसमें ऐड कर देंगे सोयाबीन, जिसे हमने मिक्सी में हल्का पीसा था। मुझे सोयाबीन को हल्का पकाना था तो इसलिए मैंने प्याज के साथ ही इसे भून लिया है। मुझे थोड़ा शॉर्टकट में बनाना था तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को प्याज के साथ ही भून लिया। उसके बाद मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन को अच्छे से मैंने सोयाबीन के साथ ही भून लिया ताकि इसके अंदर जितना भी है ना सारे फ्लेवर्स आ जाए और खाने में थोड़ा सा अच्छा लगे, वो कच्चापन सा ना आए। तो मैंने इसमें दही भी ऐड किया, सभी मसाले मैंने ऐड कर दिया, जो गोलकी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर इन सब के साथ हमें दही के साथ अच्छे से मिला के हमें भून लेना है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था स्वाद अनुसार नमक, और इसके साथ मैंने एक चम्मच शेजवान चटनी भी ऐड किया था। और इसके साथ भी हमें अच्छे से इसे मिला कर भून लेना है। मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, मैं इसे ड्राई ही रखूँगी। आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देखिए, मेरा जो सोयाबीन का भुर्जी है वो बन के तैयार है। खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऐसे मैंने पराठे के साथ बनाया था।